तो जैसे कि अभी हम आए हुए हैं नमसाई के मिनी सेक्रेटरिएट पे, तो जैसे कि रिसेंट जो आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट डेज में कि हमारे जो नमसाई डिस्ट्रिक्ट का और लोहित डिस्ट्रिक्ट का जितने भी फार्मर्स है उनको जो बाहर है असम में हमारे जो नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट्स है फार्मिंग प्रोडक्ट्स है वो ले जाने में तकलीफ हो रहा था ट्रेडिंग में, तो इसीलिए आज यहाँ मिनी सेक्रेटरिएट में असम के यानी कि तिनसुकिया के जो मैजिस्ट्रेट है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हमारे नमसाई डिस्ट्रिक्ट के प्लस जो लोहित डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के आज यहाँ पे मीटिंग करवाया गया था। तो चलिए हम यहाँ के जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे सब जगह के उनसे हम जानते हैं कि रिजोल्यूशन क्या निकला है। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जरूर, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से पहले आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे कवरेज के लिए। एंड मायसेल्फ सोलेमसो आमा, मैं कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मिसमी कलसम का जो वाको यूनिट को जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं आज ये इशू को लास्ट वन मंथ से ये इशू चल रहा था, काफ़ी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ, आप सब ने देखा, जितना भी व्यूअर्स आप सब ने भी देखा। तो आज जो मीटिंग वाज अटेंडेड बाय एडीसी वाक्रो, एडीसी तिनसुकिया, उसका बाद हम लोग का एसडीपीओ मैडम, आईपीएस ऑफिसर मार्गरिटा, एसडीपीओ नामसाई, ओसी वाक्रो एंड बहुत सा हमारे जो असम साइड से जो दिराग साइड से हमारे जितना भी फार्मर का जो बिजनेस कम्युनिटी का काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशंस आज का मीटिंग में अटेंड किया। और हमारे जो आंसर पार्ट से कल शाम ऐसे लीडिंग टीम हमने लीड किया और साथ में जितना गांवबुरा आया हुआ है उसका बाद जो फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है। लेकिन अब जरा सा मैं मीटिंग्स आज कैसा चला उसका थोड़ा आपको जरूर बताना चाहूँगा कि मीटिंग बहुत सुंदर तरीका से हुआ और काफ़ी पीसफुली हम लोग ने डिस्कस किया। और हम हमेशा यही कोशिश किया, पूरा जो मीटिंग प्रोसेस अराउंड 3 आवर्स से अधिक लगा है, उसमें हमारा जो एक जो नाइबरिंग जो स्टेट्स ना जो हम लोग का नाइबरहुड को सबसे प्रायोरिटी में रखा गया, राइट फ्रॉम द आवर रिलेशन विद अरुणाचल प्रदेश एंड असम भूपेंद्र का टाइम से हमारा जो रिलेशन जो चला वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का ऊपर हमने बहुत ध्यान दे की बात किया। जितना भी ऑफिसर्स जितना भी रिप्रेजेंटेटिव्स आया है वो ऑन डेट बेसिस ओनली वी हैव कैम टू द कंक्लूजन डेट जो भी जितना जो अभी पम्पकिन का जो ट्रांसपोर्टेशन या उसका जो ट्राइड करने में फार्मर्स को काफ़ी तकलीफ आया, उसका बाद जितना भी दिराग चाली साइड से अराउंड 150 फार्मर्स दे आर बाइंग अवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम वाको मेदो नामसाई एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ आवर स्टेट एंड उनका दुख तकलीफ भी जाना काफ़ी सारा तकलीफ था। लेकिन जो अश्योरेंस हमारा जो एडीसी तिनसुकिया ने दिया, एडीसी वाको ने दिया, केवल नॉट ओनली टू आवर फार्मर्स, हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इंक्लूडिंग जो असम से जो लोग भी यहाँ रिप्रेजेंट किया है उन सबको ये एश्योरेंस दिया कि कुछ भी मदद जो गवर्नमेंट के तरफ से डिपार्टमेंट के तरफ से जो हो सकता है हम देंगे। स्पेशली जो एसडीओ एसडीपीओ नामसाई सर ने बहुत डिटेल में बारीकी से एक बहुत प्रोमिस के साथ काम किया, क्योंकि इसमें गेट का इशू भी था, पुलिस टेक गेट्स का, वो पूरा डिटेल्स में आया और जितना भी बायर्स यहाँ आएगा उसका जितना भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एक पीसफुल मैनर में ये बिजनेस चले इसका अश्योरेंस दिया। देन अगेन हम लोग का एसडीपीओ मैडम था, आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम मार्गरिटा, शी अटेंडेड आवर मीटिंग टुडे एंड शी हैज अश्योर्ड अस। तो जितना भी असम में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि दिस इज द प्रोड्यूसर्स दैट वी आर सेलिंग इज पेरिशेबल आइटम्स, वी कैन नॉट द होल फॉर अ डे और आवर एंड कुछ हम समय उसको नाश नहीं किया जा सकता है। सो उन सब का अश्योरेंस है, उनका कुछ जो असम साइड से जितना भी जो व्यापारी है उनके साथ कुछ धोखाबाजी कुछ धोखाधड़ी भी हुआ है उसका भी हम लीगल एक्शन में जो एसडीपीओ मैडम ने पूरा अश्योरेंस दिया। और बाकी मैं अपना जितना भी नाइबर जो फ्रेंड जो असम से आए उनको भी अपना डिटेल में अब लीजिएगा, मैं मेरा तरफ से इतना थैंक यू। सर उससे पहले मैं मेरा कुछ सवाल है, जैसे आपने बताया कि एश्योरेंस दिया है, लेकिन क्या उसी बीच में जैसे कि रिसेंट टाइम्स में चल रहा था तो उसी बीच में जैसे 2-3 दिन में क्या आप लोगों ने ट्रेडिंग करने के लिए कोशिश किया था क्या, फिर प्रॉब्लम आया था क्या,
क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम जो है हमने सोशल मीडिया में कुछ समय पहले से, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये 10 days में हम लोगों ने देखा है, तो उसी बीच में आप लोगों ने और ट्राई किया है, तो तब प्रॉब्लम आया था क्या? देखिए अभी अब बातचीत से सब कुछ हल होता है। देखिए अभी जब हम लोग इसका ऊपर कम्युनिकेट करना शुरू किया एक दूसरा को, मैं कि अब हमने इनिशियल लेता है एडीसी वाकरो को लेकर है, देन अगेंस्ट को स्केलेट जो किया डीसी लोहित को, देन डीसी लोहित हैज रिटन द लेटर टू डीसी नामसाई एंड डीसी तिनसुकिया। उससे चलते हम लोग का बीच में कम्युनिकेशन बन गया। उसका बाद जब हम लोग का 2 तारीख को ये 2 अगस्त को हम लोग फर्स्ट जो 4 trucks जो भेजा था उसमें आपने सोशल मीडिया में सरफेस हुआ है कि काफ़ी प्रॉब्लम आया है असम साइड में, लेकिन वो ट्रक निकल गया नेक्स्ट डे में। उसका बाद आज भी ट्रक जा रहा है, कल भी गया है, एक दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 brothers, लेकिन एक अच्छा एटमोसफेयर में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बिलीव करके चलना होगा हम लोगों को। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड है कि यू नो आफ्टर ये सब होने का बाद में अभी जैसे मीटिंग हुआ है, तो उसके बाद में जैसे कि आप लोगों ने भी शायद कुछ यू नो ऑफिशियली आप लोगों ने विजिट किया होगा वहाँ पे भी तिनसुकिया के डिस्ट्रिक्ट में भी, यू नो असम में भी, फिर अभी यहाँ पे भी जैसे आज भी मीटिंग हुआ, तो इन कमिंग डेज भी अच्छा से आप लोगों का जो है ट्रेडिंग एंड फार्मिंग का वो सब चलेगा बोल के, क्या आप लोग आज का रिजोल्यूशन का हिसाब से क्या आप लोग खुश है क्या? The way we have ended our meeting today, आप चेहरा देख सकता है कि हम एक ब्रदरहुड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, हम रिपीट कर रहा है। उसका बाद जो कंक्लूजन जो आया हमने मीटिंग में जो कंक्लूजन लाया, एक वेल अंडरस्टूड कंक्लूजन लाया, क्योंकि अराउंड जो धिराग साहब में हमारे 150 अराउंड जो बायर्स जिसे अपना घर चलाता है, कोई बहुत सा गाड़ी घोड़ा इंस्टॉलमेंट में बेसिस में लाया हुआ, ये काम ठप हो जाना कितना बड़ा नुकसान उनका फैमिली। उसका वो हमारे अरुणाचल पार्ट में अगर ये पोजिशन से अगर सेल नहीं होता है फार्मर को डायरेक्ट बैक किल हो जा रहा है, तो दोनों का एक हम लोग का जो इनिशिएटिव है वो एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव से ये रेजोल्यूशन है। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोहित नामसाई एंड तिनसुकिया। हम रियली आई अप्रिशिएट दे दिया इनिशिएटिव टू कि हमारा जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप सब ने बहुत अपना कीमती समय दिया और दिन भर अराउंड 4 hours हम लोग डिस्कशन में रहा। थैंक यू सो मच सर। सवाल आपको भी सेम ही जाता है क्योंकि आज जैसे अभी प्रीवियस स्पीकर ने जैसे बताया कि यू नो आज का जो मीटिंग के बाद में बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है, प्लस अभी जो है फार्मर्स को भी कभी तकलीफ नहीं होगा, जैसे SGPO मैडम ने भी बताया है कि मतलब आगे प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, अगर होता भी है तो उनके पास जाएगा तो सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एज ए आसाम का रिप्रेजेंटेटिव क्या आप लोग भी आज का मीटिंग के बाद में कंक्लूजन को लेके रिजोल्यूशन को मिल के क्या आप लोग भी खुश है क्या? হয় আমি ডিৰা সীমান্তৱৰ্তী এক সন্ধাৰ যিটো আজি মিটিং আছিলে আৰু এই মাটি মিটিংটোত ত্ৰিপাক্ষিক এটা মিটিং হ'ল আৰু এটা বহুত ভাল আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা চলিউশ্যন আহিলে, আৰু এই চলিউশ্যনটোত যিহেতু এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হৈ আছিলে, সৰু এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হৈ আছিলে, এইখিনি আজি চলিউশ্যন কৰা হ'ল। আমাৰ নামচাই পুলিচ প্ৰশাসনেও আমাক সহায় কৰিম বুলি কৈছে আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া পুলিচ প্ৰশাসনেও সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে, যিহেতু আমাৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে তেখেতসকলৰ স্বাৰ্থত তাৰমানে কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হ'ল অনিচ্ছাকৃতভাৱে, আৰু যিহেতু সিহঁতৰ পইচা ক'ৰবাত পাবলগীয়া আছে, ক'ৰবাত মানে তেখেতসকলৰ কিছুমান বাধা আছিলে, এই বাধাখিনি আজি দূৰ হৈ গ'ল আৰু আজি দুদিনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙালাও ক্ষেত্ৰত পামকিনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা আৰোপ হোৱা নাই আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও নহয় বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাত অসমত যদি কিবা যদি মানে হেৰি হয় কোনোবাই ৰখায় তাৰ কাৰণে আমি মানে দায়ী নহয়, আমি আজিৰ পৰা মানে কি পূৰা ফুল ফ্ৰী ৰাইড দি দিছোঁ যে তেখেতসকলে আমি নিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়, আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা হয় এটা তেখেতসকলে আমাৰ যোগাযোগ কৰিব, আমি তাৰ কাৰণে আমি চাম। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনো নিয়াৰ বাই পুলিচ ষ্টেচন আছে, তেখেতসকলেও সহায় সহযোগ কৰিব, আমিও যিমান পাৰোঁ আমি ওচৰ যিহেতু ককাই ভাই নিচিনা সদায় আজি বহু বছৰৰ পৰা আমি চলি আছোঁ আৰু এই আদূৰ ভৱিষ্যতে চলি থাকিব লাগিব, কাৰণ কেলৈ আমাৰ তাৰ যিসকল পৰিয়াল আছে পৰিয়ালসকল অহা যোৱা চলি থাকে আৰু মানে বিয়া বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ চলি থাকে,
তো এইখিনি ক্ষেত্রত মানে আমি যাতে সংঘাত বিচরা নাই আর সংঘাতটা দূর করার কারণে আজি বহুত একটা ধুনিয়া আজি নামচাই মিনি যুক্ত এসেম্বলি হয় তাতে আমার একটা আলোচনা হল। এই আলোচনাতে সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে আর বহুত ভালকে হয়েছে, আর এইটা আমি অটুট রাখবর কারণে সদায় চেষ্টা করি।